नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास एक प्रश्न आया है कि हम कौन सा व्यापार करें, किस प्रकार का बिजनेस हमको सूट करेगा, क्योंकि हम बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं और हमको काफ़ी नुकसान हुआ है। काफ़ी मेहनत हम करते हैं, एडवर्टीजमेंट पर भी पैसा खर्च करते हैं और जो भी मार्केट में हमको लगता है कि क्या कर सकते हैं, उसके बावजूद भी हमें लाभ नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो अन्य लोग हैं वो उस बिज़नेस को करते हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों, इस सीरीज में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कौन सा बिज़नेस करना चाहिए और कैसे उसमें आप लाभ उठाएंगे। आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको पता चल सके यदि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो किस प्रकार का बिज़नेस आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। दोस्तों, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन भी अवश्य दबाएं और अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अशोक आचार्य 30 वर्षों से ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, स्पिरिचुअल हीलिंग और लाइफ कोचिंग के माध्यम से लोगों को एडवाइस करता हूँ और मेरा जो अनुभव अभी तक आया है उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार का आप बिजनेस करें जिससे कि आपको लाभ हो। सबसे पहले आप कोई भी यदि आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो मेरी सलाह आपको ये है कि आपको दो चीज़ों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। एक तो ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली दिखाइए, क्योंकि हमारी जन्म कुंडली के अंदर ही सारे प्रोफेशन छुपे होते हैं कि प्रत्येक कुंडली का व्यक्ति कौन सा कार्य करे जिससे कि उसको अधिकतम लाभ हो। तो आप किसी भी योग्य एस्ट्रोलॉजर से और अपनी कुंडली दिखाइए। यदि आपको लगता है कि आप मुझे भी, मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर दिया है, वहाँ पर व्हाट्सएप भेजकर या आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपनी बर्थ डिटेल भेजकर भी मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा बिजनेस सूट करेगा। एक बात, यदि आपकी जन्म कुंडली में जो बिजनेस बनता है, क्योंकि 10th हाउस, 7th हाउस, 2nd हाउस और 11th हाउस, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है, यदि आप उस प्रोफेशन में जाएंगे तो आपको अधिकतम लाभ होगा। अब जब आप अपनी कुंडली किसी से भी चेक करा लेते, किसी एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी कुंडली चेक कराइए और हो सके तो जब आप कुंडली चेक कराते हैं तो उसमें वास्तु दिशाएं भी चेक करवा लीजिए, क्योंकि दोनों मिलकर बहुत अच्छा कार्य करती है। तो जन्म कुंडली जब आपने चेक करा ली, उसके बाद आप ये देखिए कि जो लेटेस्ट ट्रेंड अभी चल रहा है समाज के अंदर, जिस समाज में आप रहते हैं, जहां आप बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि समय समय पर कभी रियल एस्टेट, कभी आईटी सेक्टर, कभी इंजीनियरिंग, कभी अन्य अन्य गारमेंट्स और कभी मीडिया या जितने भी प्रकार के जो प्रोफेशन होते हैं, एक समय होता है, उस समय के आधार पर वो ट्रेंड चलता है। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी प्रोफेशन होते हैं जो कि एवरग्रीन होते हैं, जो हमेशा चलते हैं। ये सब जो बातें होंगी वो आपकी जन्म कुंडली से पता चल जाएगी। उसके बाद आप देखिए कि आपके जन्म कुंडली के अंदर किस ग्रह की दशा चल रही है और क्या गोचर है। जब ये निर्णय हो जाए, जब ये आपको पता चल जाए, उसके आधार पर आप यदि बिजनेस को शुरू करेंगे तो बिजनेस के जो सफल होने के चांसेस है वो काफी बढ़ जाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर या किसी दूसरे बिजनेसमैन को देखकर हम सोचते हैं कि हम भी यही बिजनेस कर लें, और आपने अनुभव किया होगा, जैसा कि मैंने अनुभव किया है, कि बराबर में दो दुकानें होती हैं, एक व्यक्ति की दुकान काफ़ी चल रही होती है, उसके ऊपर ग्राहक काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बरकत भी ज़्यादा है, वहीं दूसरी ओर जो उसका पड़ोसी होता है उसके पास ग्राहक नहीं है और उसको बरकत भी नहीं होती।
तो दोस्तों ये सिर्फ क्यों होता है, ये होता है आपकी जन्म कुंडली में आपके ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से। यदि आपको पता चल जाए तो आपको उस बिजनेस में जाना चाहिए। एक मेरी और सलाह है आपको कि आप देखा देखी काम ना करें कि वो व्यक्ति उस बिजनेस में काफी सक्सेसफुल हुआ तो मैं भी सक्सेसफुल होऊंगा, ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ, यदि आपके प्लैनेट्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपके घर और जो आपकी दुकान या ऑफिस है उसका वास्तु अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको उसमें लाभ हो सकता है। तो ये थी आज की सलाह उन बिजनेस मैन लोगों के लिए, या तो अपना नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं, यदि वो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से उनका बिजनेस चलने वाला है। दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, एक नए सब्जेक्ट के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। और आपसे फिर मैं कहूंगा, यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको लगता है कि कोई टॉपिक किसी टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया है मेरा, आप मेरे उस व्हाट्सएप नंबर पर भी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों एक और मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी देना चाहूँगा कि यदि आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो पीडीएफ फॉर्म के अंदर मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली भेजने वाला हूँ, लेकिन ये केवल उन लोगों के लिए है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अधिक से अधिक मैंने उसमें टारगेट लिया है कि यदि आप 10 से 25 लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे तो उनके लिए मैंने बिल्कुल एब्सोल्युटली मैं कहूँगा कि फ्री हॉरोस्कोप का वो रखा है, ऑफर दिया है। तो यदि आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अन्य लोगों को भी शेयर करें। आज के लिए केवल इतना ही, एक नए सब्जेक्ट के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।